कृषि संशोधन केंद्र सातारा कोलारा गेट चिमूर में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। यह कार्यशाला किस संबंध में ली गई तथा इसका आयोजन किसकी ओर से किया गया, जानते हैं इस खबर में। अनेक दशकों से किसानों की समस्या नहीं छूटी है। पारंपरिक खेती करने से किसानों को जैसा चाहिए उस प्रमाण में उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही हमी भाव मिला है। ज्यादातर खेती यह प्रकृति पर निर्भर रहती है। अब किसानों ने उत्पन्न के लिए आधुनिक खेती की ओर बढ़े, ऐसा प्रतिपादन डॉक्टर अजय पीसे ने घनश्याम जी पीसे कृषि संशोधन केंद्र सातारा में आयोजित मोतियों की खेती इस एक दिवसीय कार्यशाला में किया। किसान और होनहार युवक युवती आधुनिक खेती के नए नए प्रयोग कर आर्थिक उत्पन्न कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर जोर दे, ऐसा मार्गदर्शन सातारा ग्राम पंचायत के सरपंच गजानन गुर्धे ने किया। कार्यक्रम में मार्गदर्शक के तौर पर आज्ञा पल्स और एक्सपोर्ट नागपुर के मुख्य संचालक गायत्री तिवासकर ने उपस्थितों को मार्गदर्शन किया और प्रात्यक्षिक कर दिखाया। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्थान से आए अनेक इच्छुक और उत्साही युवक, विद्यार्थी, किसान और महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। सवाल जवाब के चर्चा दौरान सभी ने मोतियों की खेती करने में छोटी बड़ी बारीकियों पर अच्छी चर्चा की। इस दौरान अनेकों ने मोतियों की खेती शुरू करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन विशाल इंदोरकर और आभार प्रदर्शन विलास दिघोरे ने किया। सिटी वीकली प्रतिनिधि बालूसात पुदे की रिपोर्ट।